Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel. This is the short out screenshots and thank you everyone who supported my channel. And one more thing I want to share with all of you is ये जो आपको screenshots नज़र आ रही हैं ये एक sister ने मुझे Instagram पे message किया था. मैं आप सबको याद होगा कि मैंने एक video बनाई थी scammers के ऊपर और मेरा वो वीडियो बनाने का मकसद बस यही था कि मेरी एक छोटी सी कोशिश से आप अगर किसी को फ़ायदा पहुंच सकता है तो why not. तो मैंने वो वीडियो बनाई थी एंड देन आफ्टर अ फ्यू वीक्स मुझसे एक सिस्टर ने कांटेक्ट किया था इंस्टाग्राम के ऊपर जो मैंने अभी पीछे स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाई हैं उसमें आप रीड भी कर सकते हैं. वो मेरी बहुत शुक्रगुजार हो रही थी कि मैंने इस तरह के टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई और इससे वो भी बच गई क्योंकि किसी स्कैमर्स ने उनसे भी कांटेक्ट किया था और इस तरह उनके भी पैसे सेव हो गए. तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउडली भी फील हो रहा था कि मेरी एक छोटी सी कोशिश से किसी को फ़ायदा हुआ. तो बस मेरा ये शेयर करने का मकसद यही था कि अगर आप सब भी अपनी ज़िंदगी में अगर छोटी छोटी लाइक इस तरह की कोई अच्छी चीज़ है तो लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, हो सकता है उनमें से किसी का फ़ायदा हो जाए. और बस चलते हैं वीडियो की तरफ. आज की वीडियो है टर्की क्योंकि यहाँ पर है थैंक्स गिविंग और दिस इज़ प्रॉब्ली आई एम मेकिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम टर्की क्योंकि इतनी हैवी टर्की और इतना वो उसको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम मेरा लग गया था और बहुत लंबी वीडियो बने थी जिसको मैंने शॉर्ट करके आप सब के लिए बनाया है. Butter should be at the room temperature. Paprika powder for color. Thyme lenge 1 tablespoon. Thyme leaf. Basil leaf. Tablespoon salt. ये बेसिकली हम बना रहे हैं देसी स्टाइल में. इसके अलावा अपनी मर्जी से मसाले ज़्यादा और कम कर सकते हैं. कोरिएंडर, अगर आपके पास भुना कुटा है तो आप वो भी डाल सकते हैं. रेड पेपर, गरम मसाला, वॉश्ड पार्सली, सिलांचो, धनिया जिसे कहते हैं, इसकी खुशबू फ्रेश की बहुत अच्छी आएगी. कुछ इस तरीके से मिक्स कर लें. लहसुन, मेरे पास लहसुन का भी प्रेशर नहीं है, मैंने ऐसे ही भुने से चॉप करके डाल दूंगी ना देसी हुए. ये देखिए अब हमें जो है ना डेंटिंग पेंटिंग करनी है उसकी. एक बार आप लोग बनाएंगे आपका दिल खुश हो जाएगा. रेसिपीज तो आपको आती होती पता होती हैं लेकिन आप बनाती नहीं है बिकॉज टर्की हमारे घर में भी बहुत कम लोग खाते हैं, ज़्यादातर कोई नहीं खाते इंक्लूडिंग मी.
लेकिन इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, आज मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी खाऊंगी और ट्राई करूँगी। ठीक हो गया, मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ ताकि जो है ना फिर मैं इसको मसाला लगाऊँ। देखें टर्की रेडी हो चुका है, दैट्स हाउ द टर्की लुक लाइक। और अगर आपको इससे डार्कर कलर चाहिए है तो आप कर सकते हैं, लुक डिलीशियस। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, आप भी टर्की बनाएं, फैमिली के साथ एंजॉय करें, खाएं, और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।